रूम रेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दोबारा इस नए टॉपिक पे अपने आया हूँ कि रूम रेंट में कि लड़कियों का इलाहाबाद में खर्च कितना आएगा या लड़कियों को इलाहाबाद में पीजी कौन सा मिलेगा तो और लड़कियों का खर्चा कितना होता है पीजी में। जहाँ तक पीजी केवल रूम का मैं बता रहा हूँ, उनका खुद का जो पर्सनल खर्चा है वो तो बात की बात है। तो उसमें जो है कुछ लड़कियां भी पूछ रही थी और लड़के भी पूछ रहे थे जो अपने सिस्टर को भेजना चाहते हैं कि इलाहाबाद में खर्चा या फिर रूम का कितना खर्चा है लड़कियों को लिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो तो पहली बात खर्चा अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं रूम की बात करूँ तो आज अगर आप सही लोकेशन पर रूम लेंगे जैसे कटरा हो गया, सिविल लाइन हो गया या फिर करनलगंज हो गया, इन सब स्थानों पर जैसे जो यूनिवर्सिटी के पास में है या थोड़ा इधर उधर मतलब सिटी से जो एकदम पास में है, क्योंकि लड़कियां जो है जैसे सलोरी में भी रहती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जहां मैं रहता हूं गोविंदपुर में या यहां सब लड़कियां नहीं रहती हैं, तो लड़कियों के लिए सेफ जगह भी है सिविल लाइन या कटरा फिर या करनलगंज, मतलब थोड़ा जो शहर से जुड़ा हुआ, क्योंकि वहां आने जाने में उनको दिक्कत नहीं होती। और अगर सलोरी साइड रहेंगी या कहीं और साइड रहेंगी तो उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी या समाज का स्थिति देख ही रहे हैं, और वहाँ रहेगा तो रात में भी अगर पहुँचेंगे तो अपने रूम पे जा सकती हैं। तो अब इन सब बातों को छोड़कर मैं दोबारा फिर नए जो रूम का प्राइस है उस पे आता हूँ। अगर पीजी की बात करूँ तो पीजी लड़कियों के लिए जो है 3000 से कहीं भी खाली नहीं मिलेगा, कर्नलगंज सिविल लाइन या फिर कटरा में मैं जहाँ तक मेरे, क्योंकि मेरे भी संपर्क में काफ़ी लड़कियाँ रह रही हैं, काफ़ी भैया लोग के जो है बहन रह रही हैं, तो उससे मुझे पता है कि उनका खर्च कितना आएगा। लेकिन हाँ कि लड़कियों के लिए सुविधा जो 3000 देंगी उनके लिए ठंडा पानी जो हो गया, इसके बाद पंखे हो गए, इसके बाद बेड सीट हो गया, और इसके बाद मतलब अधिकतर सब टेबल कुर्सी सब चीज़ उनको मिलेगा, ये सब लाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ को लाने ले जाने में दिक्कत होगी। और अगर मेस की बात करी जाए तो कहीं कहीं पर मेस भी है पीजी में, कहीं कहीं पर मेस नहीं है, लेकिन खुद भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 से कहीं आपको खाली नहीं मिलेगा मुझे जो लगता है, या फिर 3000-2500 हो सकता है अगर दो लोग रह रही हैं, क्योंकि और अगर इस सब जगह जो कर्नलगंज सिविल लाइन कटरा में रह रही हैं वो 5000 से कहीं दो लोगों के लिए रूम से खाली मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए लड़कियां जो आ रही हैं वो अपना बजट जो है मुझे जो लगता है वो 6000-7000 लेकर चलें, क्योंकि और खर्चा उनका खुद का पर्सनल जो खर्चा है, लेकिन ये कि रूम का जो है 3000 से कम नहीं लगेगा। और जो इसके बाद वो सब कुछ अलाउंस पहले से जमा करवा लेते हैं कि पता नहीं क्या उनका सिस्टम है पीजी वालों का कि बेड वेड के लिए कि आप कुछ लेकर जाती हैं होती हैं तो उनका वो कुछ पैसा, लेकिन वो जब आप छोड़ने लगेंगी तो वो आपको पैसा दे देते हैं पूरा जितना आपसे लिए रहेंगे। सिक्योरिटी फीस कहते हैं उसको, हाँ सिक्योरिटी फीस के लिए आपको लगभग 500 से या 1000 ले सकती हैं कहीं कहीं का, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है या लाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ है पीजी का लड़कियों के लिए जहाँ तक इलाहाबाद में। और अगर आप सलोरी में रूम ले रही हैं तो सलोरी में या गोविंदपुर में या फिर तिलियरगंज में, तो यहाँ लड़कियों के लिए सस्ता मिल जाएगा, जैसे लड़कों का प्राइस है वैसे लड़कियों का प्राइस है, बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर है लड़कियों का और लड़कों में। लेकिन हाँ यहाँ लेना मैं थोड़ा मतलब सुविधाएँ क्या है कि वही आने जाने में थोड़ा दिक्कत रहेगी लड़कियों के लिए, लेकिन अगर कटरा वहाँ सब लेते हैं तो कोचिंग सब उधर ही साइड में बढ़िया जो कोचिंग है, और तो इसीलिए वहाँ सब लेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। और वहाँ से स्टेशन भी पास में है, सब चीज़ पास में है। तो लड़कियों के लिए यही सलाह है कि जहाँ भी ले थोड़ा लोकेशन देख दाख के लें, और पैसे के मामले में देख लीजिए कि थोड़ा कैसे क्या है। इन्हीं सब वीडियो के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज।